वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी फ्रेंड दोस्तों, पूरा उत्तरी भारत शीतलहरी चल रहा है, पूरा ठंड से कपकपाती हुई सभी यहाँ के लोगों का परेशानी वाला हालत है। कहीं भी चैन नहीं है, घर के अंदर इतनी सर्दी, दिल्ली एनसीआर में तो और ज़्यादा बर्फ जमा हुआ है। आसपास आप सोचिए, पहाड़ी इलाका, उसका तो सोच ही नहीं सकते। दिल्ली एनसीआर में भी रैन बसेरा हो या कहीं भी रहने का, जो जिसके पास घर नहीं हो, आवास नहीं हो, वो जो रह रहा है रैन बसेरा में, उसका हालत बुरा होगा। एक ब्लैंकेट से सर्दी काटना बहुत मुश्किल है। वो जो पुराने जमाने का जो रजाई था मोटे रुई वाला, उसी से सर्दी जा सकता है, क्योंकि बहुत सर्दी है। हाथ तो बिल्कुल ठंडा सा हो गया है, बिल्कुल हाथ पैर ठंडा। बाहर आप निकलिएगा तो कान में अगर उस पर ठिठुरन वाली हवा है और इतना नमी है पूरा वातावरण में, और ठिठुरन वाली हवा और बहुत सर्द हवा है, ऐसा है लगता है जैसे हिल स्टेशन का है, उस टाइप का दिल्ली एनसीआर में है। तो बहुत अभी क्या है, जो काम करते हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, उन लोग का एक ही आसरा है, आग को, लकड़ी, सूखी लकड़ी को चुन के आग लगा के वहाँ पर बैठ के आग तापना है। तो वो उन लोग का, या तो कोई कहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल है, यहाँ आना जाना भी मुश्किल है, क्योंकि फॉग का भी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। मतलब रास्ता इतना फॉग हो जाता है शाम के टाइम में कि रास्ता दिखना मुश्किल हो जाता है दिल्ली में और कहीं एनसीआर में। इसीलिए किसी को भी अगर कहीं जाना है तो मेरे विचार से 5 से पहले पहुंच जाएं गंतव्य जगह पर। अगर आना हो तो 5 से पहले आ जाएं। मतलब आवाजाही जो है दिन में करें, शाम को खतरे वाली बात है। क्योंकि मैं खुद गई थी तो बहुत ही मुश्किल से रास्ते में कितनी टक्कर, 2-3-4 गाड़ी लगातार टक्कर, थोड़ी थोड़ी दूर में एक्सीडेंट प्रॉब्लम, क्योंकि दिखेगा नहीं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ट्रक का, बस का, हर किसी का। इसीलिए अभी मेरे विचार से बस भी दिन दिन में चले, रात में बहुत मुश्किल है। आप फ्लाइट का आप देखें ना, डाइवर्ट होके उसको जयपुर में उतारा जा रहा है दिल्ली एनसीआर वाला, क्योंकि दिल्ली में इतना फॉग है कि विजिबिलिटी नहीं है, दिखता नहीं है, तो मुश्किल हो जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए उसको डाइवर्ट करके वहाँ पर उतारा जा रहा है। क्योंकि एकदम से फॉग ही फॉग है, आदमी को आदमी से दिखेगा नहीं, इतना फॉग है। तो इस तरह में ठंडा भी बहुत बेसुमार है, बहुत ही ठंडा है। तो इस तरह ठिठुरन वाली ठंडा है। तो अभी देखिए कि आग जला जला के है ना, वो लेबर मजदूर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि घर में भी बैठ जाने से तो बहुत मुश्किल है ना। जो रोज कमाने वाला आदमी है, उसके लिए सर्दी गर्मी बरसात क्या, उसको तो रोज कमाना पड़ेगा। तो उन लोगों की स्थिति ज़्यादा नाजुक है इस स्थिति में, क्योंकि उनके पास न राशन है, इतना राशन तो वैसे हमारे सरकार दे रही है, हर एक आदमी पर 5 kg फ्री हर महीने में। अगर आपके पास 5 मेंबर है तो 25 kg राशन फ्री मिल रही है, जो कि आप घर में बैठ सकते। लेकिन फिर भी राशन के अलावा भी तो बहुत काम है। तो मजदूर आदमी का सबसे ज़्यादा कष्ट वह है। और आप देखिए एनसीआर में कितना ठिठुरन है, बहुत ही ठिठुरन है, हाथ पैर पूरा ठंडा हो जाता है आपका। मतलब हाथ में भी अगर बाहर जाओ तो बिना ग्लव्स का नहीं है। वो लोग जो है, जिनके पास इतना इतना सुविधा नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, आग जला के ही बैठे रहते हैं। तो अब नहीं,
अभी आपको मैं जो बोली सर्दी की कैसा है यहाँ पर, आपको सही लगे कि क्या ठंडा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।